नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों का मुझसे शादी करोगे के एक और एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई, लिटरली स्पीकिंग स्वयंवर या शहनाज गिल का और पारस छाबड़ा का है, लेकिन गाइस यहां पर नैन मटक्का और इशकबाजी किसी और की चल रही है। मयूर वर्मा यानी कि मस्का चस्का बिस्किट और जसलीन मथारू इन दोनों के बीच में कोई अलग ही एंगल चल रहा है। यहाँ पर जसलीन मथारू मयूर वर्मा के नेल पॉलिश लगा रही है, नेल पॉलिश रिमूव कर रही है। एंड गाइस आज जो डेट ऑर्गेनाइज हुआ था सलमान भाई के शाले में, यानी कि हमारे पोनीटेल कॉमेडियन और शहनाज गिल एंड पारस छाबड़ा, आबरा-गड़ाबरा, मैं हूं पारस छाबड़ा, तू है नोट छापरा, एंड अंकिता द हॉटी, इन दोनों का जो डेट था वहां पर दो और लोग आ गए एंड उन्होंने डेट को कॉमेडी शो बना दिया, जो पारस छाबड़ा को जरा भी अच्छा नहीं लगा। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ वहां पे एंड नवदीश कौर यानी के फेक शहनाज वो जब वापस से पंजाबी बोलना शुरू करती है, तो यहाँ पर संजना गलरानी जो अपना गला हर एक चीज में डाल रही है उसको तकलीफ हो जाती है। कहती है तू कोई कॉमनर नहीं है, तू तो यूट्यूबर थी, तू इंस्टाग्रामर थी, ऑल दैट स्टफ। एंड फिर से वो बंदी रोती है, दोनों के बीच में पंगा होता है। अगर वो कम नहीं पड़ा तो गाइज यहाँ पर टच मी टास्क था, जहां पर बंदियां पारस छाबड़ा के करीब जाती है, उनके मुंह पर चॉकलेट लगाती है, क्रीम लगाती है, कैसे पारस छाबड़ा उनकी सूंघने की क्षमता से इन सारी बंदियों को पकड़ लेता है। एंड गाइज वहां पर शहनाज भी जितने भी बंदे रहते हैं उनको जाकर पहचान लेती है कि वो कौन से बंदे हैं। अगर ये नहीं कम पड़ा तो गाइज यहाँ पर ओए मैं शहबाज पेट भरा टी शर्ट छोटा जैकेट पहना, यानी कि पंपू भी यहाँ पर फुल फॉर्म में दिखाई दिया। पंपू शहबाज ने अपनी अलग ही गैंग बना दी है, उसका लौंडा गैंग है, यानी कि मयूर वर्मा जब उसे जसलीन से फुर्सत मिलती है तो वहां चले जाता है। डॉक्टर अग्निहोत्री यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं मेरा भाई, डॉक्टर पीएचडी वो कुछ नहीं कर रहा, वो चाय पी रहा है, चाय की चुस्कियां मार रहा है इन डीप यानी कि सिल्वर हेयर स्टाइल, वो भी कुछ खास करते हुए दिखाई नहीं देता। शहनाज गिल उसको जब छूती है तो कहती ओए ये तो लड़की है, रोहनप्रीत, मस्त रोहनप्रीत बन के घूम रहा है पंपू के साथ, इन लड़कों में से कोई कुछ भी करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इट्स द गर्ल्स एंड पारस छाबड़ा एंड शहनाज गिल एंड पंपू हुआ रूलिंग द रूस्ट। चलिए गाइस आज का एपिसोड शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आज एपिसोड है, अब नेक्स्ट एपिसोड ऑब्वियसली इसका मंडे को आएगा क्योंकि कल से शुरू हो रहा है खतरों के खिलाड़ी, तो वो देखने में काफी मजा आएगा। लेकिन अब मंडे को मुझे शादी करोगे का एपिसोड आएगा। और फ्रेंड्स एपिसोड की शुरुआत होती है, अब हर सुबह उठ के शहनाज गिल और पारस छाबड़ा जिनका स्वयंवर हो रहा है, इन दोनों को कैमरा के सामने आना है गार्डन एरिया में एंड अपने दिल का हाल बताना, यानी कि कहना है कि मेरा दिल ये चाहता है। शहनाज कहती है कि मेरा दिल ये चाहता है कि पिछली टाइम की तरह भी मैं यहाँ पर मेमोरीज बनाऊं, हाँ पिछली मेमोरीज की तरह जैसे अच्छी मेमोरीज बनाऊं। पारस कहता है मैं चाहता हूं कि मैं पैंपर हो जाऊं एंड मैं अपना जितना भी स्ट्रेस है वो निकाल देना चाहता हूं। बड़ा तू बैंकॉक नहीं आया है, तू वही बिग बॉस से घर में आया है, लेकिन अब तुम्हारा स्वयंवर है, तुम्हारा शो है। बल्कि जसलीन मथारू अब नहीं मसला गर्ल बन गई है क्योंकि गाइस वही गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला पिंपल वापस से यहाँ पर सेम माहिरा शर्मा की याद दिलाते हुए दिखाई दे रही है। एंड गाइस जसलीन यहाँ पे कहती है कि पारस तू यहाँ पे अंकिता तो हॉटी के खूब मजे लेते हुए दिखाई दे रहा है। पारस बोलते हैं अबे आसमान में उड़ रही है, देख अभी कैसे एक बार नीचे आके फट से गिरेगी। अब गाइस यहाँ पर इंदीप जो है गांठे क्या होती है मुझे पता नहीं, पंजाबियों में शायद सूजन आ जाती है तो उसको गांठे बोलते हैं, तो यहाँ पर इंदीप जो है जसलीन की गांठों को नीचे निकालता हुआ दिखाई दे रहा था। एंड गाइस यहाँ पर अगर ये भी कम नहीं पड़ा तो पंपू कहता ओए स्वयंवर किसका हो रहा है, ये गांठे निकाल रहा है, लड़कियां भी गांठे निकाल रही है लौंडों के, ऐसा लग रहा है गाइस कि मैं मुझसे शादी करोगे भी नहीं देख रहा हूं, मैं बिग बॉस हिंदी में नहीं देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं बिग बॉस पंजाबी देख रहा हूं। सारे के सारे ओए 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 गुरु ठोक ताली सब हो पंजाबी लोग लग रहे हैं, लेकिन देख के काफी मजा आ रहा है। अब गाइस ये मयूर जो है इसकी फुल आइटम गिरी शुरू हो गई है जसलीन मथारू के साथ। मयूर उसके कंधे पे लेटा है, मस्त उसके गोदी में लेटा है गाइस यहाँ पर। एंड जसलीन कहती है ओए मयूर
जब तू पंजाबी बोलता है ना तो मेरी दिल की धड़कनें फास्ट हो जाती है। अरे मैडम, तुम्हारी दिल की धड़कनें तो अनूप जलोटा को देखकर भी लोटा लेने चली गई थी। बचपन तो मयूर तो वैसे भी नौजवान युवक है, एंड मयूर यानी कि मस्का चस्का ये एकदम पागल हो गया इसके प्यार में। कहता है कि हम दोनों को फ्रेंड्स बनना चाहिए। बचपन यहाँ पर अब ब्लाइंड फोल्डेड है, यानी कि आबरा मैं हूँ पारस छाबड़ा। उसकी आंखों पर यू नो पट्टियां बांध दी गई है। लड़कियां आएंगी, मस्त सेंसुअस डांस करेगी, करीब आने की कोशिश करेगी। पारस छाबड़ा को बताना है उनके टच से कि वो कौन सी लड़की है। जसीन मथारू आती है, पारस छाबड़ा द प्ले बॉय इज, संस्कारी प्ले बॉय इज, और यह करता है आयो जसलीन है। उसके परफ्यूम से जसलीन को पहचान लेता है। बहुत मजा आती है। बलराज बाल लेके आता है, मस्त बाल लगाता है, बोलता है अरे दफा हो जा, ये तो बलराज है। हिना आती है। हिना मलाइका अरोरा बहुत स्मार्ट है। वो क्या करती है, जसलीन का पूरा परफ्यूम अपने बदन पे लगा देती है। कहती लेट्स सी कि पारस बताता है कि नहीं। लेकिन हिना गलती कर देती है, वो आखिरी रहती है पांचवें नंबर पर। पारस फट से पकड़ लेता है, पांचवा ये तो हिना है। हिना मस्त फुल ऑन पारस छाबड़ा का टाइट हो जाता है। फुल यहाँ पे पारस छाबड़ा के मस्त होठों पे ये यू नो चॉकलेट लगाती है, क्रीम लगाती है। रात को 10:30 बजे इन लोग फुल ऑन मसाला एंटरटेनमेंट दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन गाइस काफी सेंशुअस लगता है, एंड पारस उसको भी पहचान लेता है। अंकिता आती है, उसके नाक छूती है, बोलती है तो अंकिता है। उसके बाद यू नो फेक गिल जो है वो आती, कौर वो उसके गाल खींचती है। अब गाइस बारी है सना की। हाँ सना आती है, सना भी पारस को हाथ लगाती। पारस बोलता है आ बदबू आ रही है, ये कौन है? तो सना को वहां से हटा दिया जाता है। अब गाइस बात आती है यहाँ पर नन अदर देन शहनाज गिल की। शहनाज गिल को यहाँ पर बांधना नहीं जाएगा, शहनाज गिल की आंखों में पट्टियां बांधी जाएगी। लौंडे खड़े होंगे, लौंडों को छू के शहनाज गिल को बताना है कि कौन सा लौंडा कौन है। सबसे पहले आते हैं नन अदर देन बदेशाओं में बदेशा, नन अदर देन शहबाज बदेशा। शहबाज बदेशा को वहां पे खड़ा कर देते हैं। शहनाज जो है खुद के भाई को छूती है, काफी हंसती है, कहती है ये तो शहनाज ये तो शहबाज बदेशा है पंपू। वेल फ्रेंड्स यहाँ पर बलराज आता है। बलराज के बाल पकड़ के पहले ही पहचान जाती है कि ये बलराज है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो अपने सिल्वर हेयर स्टाइल है वो शहनाज का हाथ पकड़ के कोशिश करता है, बोलती है अरे ये तो लड़की ऐसा लग रहा है। रोहनप्रीत को 2 मिनट पकड़ लेती है। बलराज या पारस को यू नो ज्ञान देते हुए दिखाई देते हैं, कहते हैं 36 आएंगी 36 जाएंगी, लेकिन सबसे पहले तो नवदीश जाएगी। लेकिन नवदीश कौन, यानी कि फेक शहनाज गिल अकॉर्डिंग टू बलराज, वो कंटेस्टेंट जो है वो पहले ही आउट हो जाएगी। वेल फ्रेंड्स यहाँ पर जस्टिन को पूछते हैं आपके अनुसार यहां पर सबसे हॉट लड़के कौन है। सुन होती है हॉट, यू मीन लाइक HOT हॉट, बोलते हैं हाँ HOT हॉट। बोलती है नंबर वन पे मयूर मस्का चस्का, एंड दूसरा पारस है। एंड उसके बाद सारे लोग आते हैं, पूछते और कौन है, वो सरदार जी है ना वो मुझे पसंद है। और डॉक्टर, डॉक्टर खाली चाय पी रहा, वो PhD खाली चाय पीते पीते घूम रहा घर पे। एंड यहाँ पे जसीन कहती है पारस मस्त बंदा है, जो बंदा अपने हाथ पे टैटू बना सकता है वो कितना इमोशन होगा। ये सारी की सारी बातें वो हिना को बैठ कर मैं बता रही। हिना कहती है यार ये गलरानी है ना जो गला लेके आगे आ रही है, वो आजकल है ना पारस के बहुत झगड़ती है। यहाँ पर नवदीश वापस से ओए आ उई उई पंजाबी बोलना शुरू कर देती है, एंड गलरानी उस पर चढ़ जाती है। गलरानी बोलती है ये क्या है तेरा, हाँ फेक एक्सेंट लेकर आ गए यहाँ पर, मैंने तेरे सब वीडियोस देखी है। हाँ बोलती अरे मैं तो कॉमनर हूँ। तू कॉमनर नहीं है, तू यूट्यूब कर चुकी है, तू ब्लॉगिंग करती है, तो कैमरा एक्सपीरियंस है, तू कॉमनर नहीं है। एंड कौर कहती है ओए हाँ मैं हूँ तमाशा, हाँ फुल होना शुरू कर देती है। गलरा बोलती गलरानी बोलती है ये जो फेक शहनाज है ये फेक पंजाबी बात करती है। नवदीश रोना शुरू कर देती है। एंड पंपू सोच रहा है मैं यहाँ क्या क्या करने आया हूँ, वो कुछ नहीं कर रहा है, खड़े देखे सबको देख रहा है, नोटिस कर रहा है। तो ये देखो गाइस पंपू का ना कोई बंदा है ना कोई बंदी है, उसने अपना अलग गैंग बना लिया जो काफी मस्ती करते रहता है। यहाँ पर गलरानी का दिमाग ठीक करने के लिए हिना उतरी। एंड गाइस हिना यहाँ पे दांत लेके चढ़ गई उसके ऊपर, कह रही है तू कौन होती बोलने वाली, तो मैं बोला स्मार्ट समझ रही है क्या, अरे नवदीश को जैसा बोलना है बोल, पंजाबी भी बोलना है बोल, फ्रेंच बोल, मराठी बोल, तेरी दिक्कत क्या, अगर वो फेक भी कर रही तू भी करना है, तो मैं बोला शानी समझ रही है। ये कैट फाइट जो हो रही लड़कियों के बीच में वो मजा आ रहा है देखने के लिए। अब गाइस यहाँ पर पारस कहता है शनास तू है ना बराबर करने रही है, लड़के तेरे पीछे पड़े ही नहीं, यानी कि लड़कों को इंटरेस्ट भी नहीं है शहनाज में, कोई उसके पास जा भी नहीं, अपनी मस्ती करने के लिए लाइमलाइट लेने के लिए आया। शहनाज बोलती है अच्छा मैं अब देख कैसे 2 लड़कों को घुमाती हूँ, और जब ये और ये मेरे पीछे पड़ जाएगा ना तो मैं फ्लिप मारना है तीसरे पे। तो ये जब वो करेगी बंदी बहुत मजा आएगा गाइस यहाँ पर। एंड यहाँ पर पारस को पूछता है किसको डेट करोगे, भाई कोई तो अंधा भी बता देगा अरे बेटा मैं तो अंकिता को डेट करूंगा, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। पारस छावड़ा वही करता है,
वही शनाज डेट पर रोमांस कम हंसना ज्यादा, वो चरक कर लेती है पोनीटेल कॉमेडियन यानी कि बलराज को। सलमान भाई का जो शैले है वहां पर डेट का आयोजन किया जाता है। पंपू जाते जाते अंकिता को हक करता है, ऐसा लगता है कि अंकिता जंग पे जा रही है, वापस नहीं आने वाली है। जसलीन यहाँ पर कहती है हम इतना वर्क हार्ड कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं पारस, वो सिर्फ साड़ी पहन के तुझे रुझा देती है। पारस बोलता है आई हैव गॉट सम प्लान, वेट वेट दैट बूम, वो बोल के निकल जाता है वहां पर। अब वहां पर स्ट्रॉबेरी केक, आय उषा शैम्पेन, उसके बाद यू नो फलाना वलाना नूडल शूडल चाउमीन वो सब रखते हैं वहां पर गाइस। एंड ये पगले लोग ने डेट लिखी थी, पारस सामने अंकिता, यहाँ पे कॉमेडियन, उसके सामने शहनाज। अभी डेट पे दो लोग बंदे जाते हैं, चार की डेट क्या है भाई, मेरा मिक्स डबल चल रहा है क्या? पारस को पहले से ही अच्छा नहीं लग रहा था गाइस कि उन्होंने ऐसा डेट क्यों ऑर्गेनाइज किया। पारस कहता है चलो अलग बैठ जाते हैं, हम लोग को शहनाज और इसके साथ ये पोनीटेल के साथ डेटिंग नहीं करनी। अंकिता कहती है अरे ये दोनों सिर्फ कॉमेडी करते रहेंगे तो हम लोग रोमांस की बातें कैसे करते रहेंगे। पारस कहता है चल अंदर तो शहबाज हैरान कर रहा है, यहाँ दोनों कॉमेडी कर रहे हैं। हाँ अंकिता बोले चल बलराज जा रहा है, उसको थैंक यू बोल दे, लेकिन सुनते ही बलराज नहीं जाता। और अंकिता कहती है पारस तुम घर पे बैठे बैठे ही संस्कारी प्लेबॉय बन गए। पारस कहता है ओए गिल पूरा डेट का सत्यानाश कर रहे हैं। वो गिल और वो क्या कर रहे पता है, तुम्हारा नाम क्या है सेना, तुम्हारा नाम क्या है पोनीटेल, वो खाली हंसते मतलब पूरी रोमांस की माँ बहन कर दिया उन लोगों ने। लेकिन गाइस शहनाज हंसमुख लड़की है, उसको हंसना खेलना पसंद नहीं, पारस को जानता है 4 महीने हो गए उसको, तो उससे एक्सपेक्ट करना कि शहनाज आके डेट पर रोमांटिक बातें करेगी इज सीरियसली नॉनसेंसिकल। लेकिन पारस छपड़ा का भी बोलना सही है, डेट पर आए तो डेटिंग करो। अरे हम हंस रहे दोनों बैठ के, कपिल शर्मा खेल रहे, तू कपिल मैं कपिल, कल कपिल कपिल खेलते हैं, दोनों कपिल खेल रहे बैठ के वहां पे। लेकिन गाइस यहाँ पर अब पारस एकदम भड़क जाता है एंड पारस कहता है सारी लड़कियां मेरे लिए आई है। गिल बोलती ओए लड़कियां तेरे लिए नहीं, तेरे फेम के लिए आई है। अंकिता बोलती प्यार होगा ना तो देख लेना, मैं 3 अफेयर हुए हैं, एक बार प्यार हुआ है। पारस कहता है आई एम लॉस्ट, उसके बाद पारस भड़क जाता है। अंकिता स्ट्रॉबेरी खाती है, पारस कहता है मैं पिस्ट ऑफ हूं। ओए हाँ गिल और तू पोनीटेल, टाइम पास करने आया तुम लोग यहाँ पर? हाँ पारस का गुस्सा एकदम क्यूट है, मस्त गुस्सा करता है एकदम, वो जो अलग ही स्टाइल है बिग बॉस में, एकदम सड़ेला गुस्सा करता है, यहाँ पे काफी अच्छा गुस्सा करता है। एंड पारस कहता है डेट पे आया ना मस्ती करना है, डेट की माँ बहन क्यों कर रहा है तू मेरी? हाँ गिल बोलती है तेरा तरीका अलग है डेट करने का, मेरा तरीका अलग है डेट करने का। पारस कहता है 24 घंटे मजाक करते रहता तुम लोग, हाँ पीस ऑफ हो चुका हो। पारस कहता है अंकित थोड़ी सोबर है, थोड़ा कम बोलना पसंद है। हाँ गिल बोलती है ओए हमें अपना फन करना है चलो। तो बलराज अंकिता अंदर चले जाते हैं, डेट की माँ बहन ढुक जाती है, पारस भिड़ जाता है उन लोगों के साथ। अब गाइस यहाँ पर जसलीन और यानी के मस्का चस्का, अरे भाई मयूर वर्मा तुम दिमाग की माँ बहन कर रहे हो यार, अरे तुमको साला शहनाज गिल से शादी करने के लिए बुलाया था, तुम साले जसलीन मथारू, अरे जलोटा क्या सोचेगा भाई, तुमने तो उसका लोटा ही गिरा दिया यार, तुम साले जसलीन से नेल पॉलिश लगा रहे हो। जसलीन से यहाँ पर मयूर वर्मा नेल पॉलिश लगा रहा है एंड लिटरली स्पीकिंग इतना हिलेरियस लग रहा था नेल पॉलिश दिखाते हुए। लेकिन गाइज यहाँ पर अंकिता बोलती है हाउ द फक डिड शहनाज टेल मी दिस। शहनाज यहाँ पर उसको ताने मारती है, यू नो टेबल पर कहती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी का भी हाथ पकड़ लूँ। अब एक्चुअली वो बड़ा गाउन पहन के आई थी तो पारा छाबड़ा ने हाथ दे दिया था तो बंदी ने हाथ पकड़ लिया। अब शहनाज ने बाद में बात क्लियर भी कर दी, देर इज नो बैड ब्लड बिटवीन अंकिता एंड शहनाज। लेकिन गाइज यहाँ पर बलराज कहता है कि पारस ये शाणा छाबड़ी के बिग बॉस कर लिया, अपना बजाय शाणा समझता है, बाहर भी मेरा दोस्त था लेकिन बात करने का तरीका नहीं, उसको बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। हाँ मैं चाहता तो मैं भी चढ़ सकता था लेकिन मैं चढ़ा नहीं। अंकिता रोती है, एकदम रोना शुरू करती। पंपू बोलता है अंकिता रो मत, तुझे देख के मेरा पेट छोटा हो जाता है, रो मत रो मत। पंपू यहाँ पे जरा भी खुश नहीं है कि रो रही है। अंकिता पंपू को बिचिंग करती है, कहती तेरी बहन मुझे क्या बोली पता है, बोलती ऐसी लड़की नहीं हो जो तेरे से हाथ लगाती हो सबको। हाँ अब गाइस यहाँ पर वो कह रही थी अंकिता बाहर खड़े रह के भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है। यहाँ पर संजना गगरानी मैडम आके कहती है भाई बहन, अरे भाई बहन जाके बाहर शादी कर लेते हैं। वो फिर अंकिता क्या बड़ी क्या भड़की बोलती है, अबे क्या नॉनसेंस बात कर रही है, हाँ गेट वेल सून गगरानी। गगरानी और अंकिता की फुल फाइटिंग हो गई। अब गाइज मयूर वापस संडास में खड़ा है और बोल रहा है यू नो जसलीन को कि प्लीज मैं नेल पॉलिश निकाल दो, वो उसकी नेल पॉलिश निकाल रही है। अब गाइज उसके बाद पारस एंड गिल एंटर करते हैं एंड सब लड़की लोग जाके पारस से कहते हैं कि अंकिता रो रही थी,
समझ में आया? पारस कहता है सॉरी डिड यू, है ना, वो अच्छा लग रहा था, वो दोनों गिल और पोनीटेल हमको डिस्टर्ब कर रहे थे उसके अंदर। अंकिता बोल रही कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, समझ में आया। मस्त पपैया लेती खाती है, एलिट क्लब जो था उसमें असीम बैठता था और शुक्ला दोनों बैठते थे, उसी में पारस आके वापस बैठता है। एंड पारस कहता है सब लड़कियां इनसिक्योर हो रही है कि मैं तुमको सेलेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, अब जसलीन एंड दिलरानी स्पेशल छाबड़ी के को लेके बाथरूम में जाती है एंड कहती है बस हो गया अभी, अरे बहुत तुमने शेनो, जाकर अंकिता को पटाए, कल से किसी और को भी देखो। समझ में आ गया ना? अब गाइज यहाँ पर पंपू गैंग फुल इंजॉय कर रही है, बैठ के टाइम पास कर रही है। शहनाज यहाँ पर आके बहुत बड़ी बात कहती है, कहती है अंकिता देख तू दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, सारी लड़कियां चाहे वो हिना हो, जसलीन हो, गलरानी हो, कौर पंजावन हो, सारी की सारी पारस के पीछे भाग रही है, लेकिन तू उसके पीछे नहीं भाग रही। यू लुकिंग वेरी सेंसिबल, जो मुझे पसंद है, मुझे तू काफी पसंद है। एंड गाइज यहाँ पर अब गिल और अंकिता के बीच में जो मन मुटाव होता है वो खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में क्या आने वाला है वो अभी तक नहीं बताया है क्योंकि शूट ही नहीं हुआ होगा। अभी अगला एपिसोड मंडे को है तो मंडे का इंतजार कीजिए जब अगला एपिसोड आएगा। आई होप गाइस एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा। अगर कल रात को खतरों के खिलाड़ी का रिव्यू देखना है मेरा भाई तो कमेंट करने का, अपन रिव्यू लेकर आएगा क्योंकि उसमें है डर के आगे जीत है रोहित शेट्टी। ओके गाइस, मैं अमरेंद्र साई साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन, गुड नाइट।